हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेविस फिट में। दोस्तों मैं आपका भाई हरीश, मेरे साथ कैमरे पे निखिल भाई और हमारे एक भाई और हैं, उनको आपने वीडियो में देखा होगा, ऋषभ भाई ना। तो दोस्तों ये हमारे भाई हैं, मतलब हमारे जैसे जो हम काम करते हैं उनमें मतलब हमारे साथी होते हैं, मतलब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई समझ लो, बड़े भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो दोस्तों आजकल हमें कुछ अलग ही शौक एक पैदा हुआ है, पता नहीं बुखार बोलो कुछ भी, ऐसा कुछ बुखार चढ़ा है कि मतलब लोगों की मदद करने का, ठीक है। वो भैया की वजह से ही है। तो भैया ने हमें काफ़ी टाइम से भैया बोल रहे थे कि ना मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मतलब जैसे जो नीडी पर्सन होते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बंदा, है ना। तो आजकल के टाइम में आपको पता है दोस्तों, जो हमारी उम्र के बंदे हैं नशे पत्ते में बड़े हुए हैं, है ना, सारे पंजाब गलत कामों में गए हैं, चंडीगढ़ देख लो, मतलब है ना, जैसे हम खुद जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हम आजकल हर जगह पे ऐसे ही लड़के मिलते हैं, है ना। कोई काम करके खुश नहीं है, बस नशा मिल जाए ये है। पर हम मतलब कोई अगर हमें हार्ड वर्क करने वाला बंदा मिलता है तो हम उसकी मदद करते हैं। ये भैया का आइडिया था कि मैं मदद करूंगा, जो भी मुझे मिलेगा हार्ड वर्क करने वाला मैं अपनी तरफ से उसकी मदद करूंगा। तो भैया आपको कुछ बताएंगे उसके बारे में। भैया बताओ अपने चैनल के बारे में तो कुछ। हमने एक चैनल शुरू किया है ऋषभ हेल्पिंग हैंड्स के नाम से। तो मेरे एक मोटिव था कि जो बहुत नीडी है, जिनको बहुत नीड है काम की, हेल्प की, तो हमने उनकी हेल्प करनी है, बस जस्ट दैट्स इट। बहुत आजकल के लोग मेहनत नहीं करते हैं, मतलब कि नशे पे शॉर्टकट अपनाते हैं, ये कर ले वो कर ले, गलत काम में पड़ जाते हैं। बट हमारा मोटिव ये है कि लोगों को एम्पायर करना, मतलब कि मैं मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है कि आज हमने इतनी हेल्प करी है लोगों की, इतनी हेल्प करी है, इतनी दुआएं मिली है हमें आज के टाइम पे, अच्छा लगा काफी हमें, इतना अच्छा लगा कि हमने इतने लोगों की हेल्प करी है कि हमें इतनी मोटिवेशन मिली है, बता नहीं सकता मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। आज पूरा दिन हमारा इसी में गया, पूरा दिन इसी में गया है कि हमने इतने लोगों की हेल्प करी है, जहाँ तक हो सकती है हमने बहुत हेल्प करी है, और इसी तरह से हम आगे के लिए हेल्प करते रहेंगे। जहाँ तक हमें लगेगा कि हमें हेल्प करनी चाहिए, हम बंदों की हेल्प करेंगे और करते ही रहेंगे एंड टाइम तक। और दोस्तों हमें चाहिए आपकी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जितनी आपको नीड हो, किसी तरीके हेल्प चाहिए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो दोस्तों मतलब चैनल का मतलब जो मेन मिशन है वो ये है कि जो भी जरूरतमंद है, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं उन पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास खर्चा नहीं होता, है ना, खर्चा नहीं होता, कापी पेन वगैरह, अपने कापी किताबें, अपने जो यूनिफॉर्म होती स्कूल यूनिफॉर्म बैग वगैरह वो नहीं ले पाते, या फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब बुढ़ी उम्र का मतलब इंसान है, मतलब काफी उम्र का इंसान है, रिक्शा चला रहा है, बहुत ओल्ड एज है, रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम मतलब उनकी मेहनत को सहारते हैं, मतलब सहारना करते हैं उनकी। हमें बहुत कमेंट आते थे कि भाई आप ये वीडियो बना रहे हो, हॉरर वीडियो बना रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को, आप क्या कर रहे हो पैसों के। दोस्तों हमें मुश्किल से, हम नहीं चाहते थे कि वीडियो बनाए ऐसी कोई, पर फिर भी उन लोगों को रिप्लाई देने के लिए हमने एक चैनल अलग से स्टार्ट कर दिया है कि दोस्तों देखो जो हमें यूट्यूब से इनकम आ रही है, जो भैया जो भी काम करते हैं अपना, तो हम वो जो इनकम है वो अपनी हेल्पिंग में ही लगा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। पर फिर भी अगर दोस्तों अगर आप चाहो तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैनल का, वहाँ क्लिक करके आप भैया के चैनल पे आओ, ठीक है, वहाँ वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम पे मेहनत और हेल्प हर कोई नहीं करता। दोस्तों आजकल के टाइम में वैसे कोई नहीं करता, लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आज के टाइम पे, लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत, आज कह रहा हूँ मैं, आज इतनी हेल्प करी है हमने, इतने लोगों की हेल्प करी है, हमारा पूरा दिन वही था, पूरा दिन हमारा आज इसी में निकला है, हमने बहुत लोगों की हेल्प करी है, हमारी आंखों से पता लग रहा होगा नींद चढ़ी हुई है बिल्कुल, आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे में आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या काम किया आज, आपको उसी में सबको पता चल जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो आएगी कल सुबह, मतलब जब ये वीडियो डली है उससे पहले वीडियो आ चुकी होगी, आप जरूर देख लेना, ऋषभ हेल्पिंग हैंड्स चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको जो जगह है वो स्टोरी बताता हूँ, जिन्होंने यहाँ की वीडियो नहीं देखी पहले, तो दोस्तों यहाँ की जो वीडियो है, जो यहाँ की स्टोरी है, वो ये है कि यहाँ पे एक गाँव का कच्चा रास्ता था जो कि गाँव की तरफ जाता था, मेन ये होता है कि बड़ा रास्ता ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था जो गांव की तरफ जाता था। तो दोस्तों यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक लड़की आई थी कुत्ता लेके, अपना कुत्ते को सैर करवाने आई थी, शाम का टाइम था, तो उसको लगा कि जैसे मैं आगे पीछे मतलब सैर करवाती हूँ वैसे ही सैर करवा के वापस आ दूँगी, उसने यही सोचा होगा। तो रास्ते में उसको कुछ चोर लुटेरे स्नैचर वगैरह मिल गए थे, जिन्होंने लड़की के साथ गलत काम करके कुत्ते को गोली मार के वहीं मार दिया था, और लड़की के साथ गलत काम करके उसको यहीं पर मार के फेंक दिया था। तो तब से लेके अब तक वो लड़की की आत्मा यहाँ पे भटकती थी, तो मतलब एक रास्ता था गाँव जाने वाला, तो लोगों को दिखती थी वो आत्मा, लोग भी तंग आ गए थे, उन्होंने बाबा को बुलाया यहाँ पे,
और बाबा को बताया कि ऐसी ऐसी यहाँ पे बातचीत है, तो यहाँ पे कोई हल करो क्योंकि हमारा एक ही रास्ता है, हम नहीं दे सकते, मतलब ये चीज़ को बार बार देखना हमारी वो नहीं है। तो बाबा ने ये किया कि यहाँ पे ना एक उसकी जगह बना दो लड़की की, कि वो जगह बना दो उसके नाम पे कर दो, वो जगह पे अपने बैठी रहेगी तो किसी को कुछ नहीं कहेगी। बाबा ने ऐसा कोई काम किया कि ऐसी वो जो लड़की है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो दोस्तों तब से लेके अब तक वो लड़की किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाती है, पर दिखती है लोगों को। अगर कोई यहाँ पे गलत काम कर रहा है तो उस काम को रोकती है, लोगों की हेल्प करती है। मान लो अगर कोई रास्ता भटक गया उसको रास्ता बताती है। लोगों ने बहुत सारी स्टोरी बताई है कि हमें यहाँ पे किसी लड़की ने रास्ता बताया या किसी अदर चीज़ ने रास्ता बताया, उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं उसको चीज़ नहीं दिखती। हाँ। ऐसा दोस्तों वो उसकी लड़की की जगह पीछे बनाई हुई है, अभी हम वहीं चलेंगे। तो दोस्तों इसके दो पार्ट बने हैं, पहले उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ऊपर आई बटन लिंक आएगा वहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट देख लेना। दोस्तों जब पहले पार्ट हमने शूट किया उस टाइम वो दो एक दो बार चीज कैप्चर हुई है। हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है यहाँ पे, पर जैसे वो चीज दिखती है वो बहुत ज्यादा ड्रामा। जिन्होंने पहले पार्ट देखे हैं उनको पता होगा, है ना। हाँ। तो दोस्तों फिर भी आपको बता दिया यहाँ की स्टोरी ये है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करना शेयर, और भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने। करना दोस्तों, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार निकल गई, टाइम दिखा दो, एक मिनट लाइट दिखाना। हाँ, 12:06 हो गए। गूगल टाइम भी दोस्तों दिखाता हूँ, 12:06 हुए वैसे तो। तो दोस्तों भैया का फर्स्ट हमारे साथ ये वीडियो है, हॉन्टेड वाला वीडियो हमारे साथ। भैया डर लग रहा है? नो, डर तो किस बात का, जो देखो आज इतनी हेल्प करी है लोगों की, डरना किस बात का, जो इतनी सारी दुआएं हैं साथ में, इतनी दुआएं मिली है तो डरना किस बात का। नहीं वैसे फिर भी आप रात के टाइम पे ऐसी पहली जगह पे पहली बार आए होंगे। ये देखो 12:07 हो गए दोस्तों। तो दोस्तों भैया पहली बार आए हैं, कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम भी बहुत बार आ चुके हैं, ऐसा हमारे साथ भी बहुत कम होता है कि कुछ हो जाएगा। बाकी सेफ्टी है हमारे पास, डरने की कोई बात नहीं है। हम चलते लोकेशन पे, चले भैया, चलो भाई। हाँ चलो चलो। सर बहुत ज्यादा यहाँ पे बरसात हुई है, जब भी हम यहाँ पे आते हैं उससे पहले बरसात जरूर होती है। दोस्तों घास पूरी गीली है, अगर आपको दिख रहा होगा तो बरसात होकर हटी है। तो हरीश भाई मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, हर बार की तरह नीचे ध्यान रखना है सांप वगैरह का। दिक्कत मेन यही है कि सांप वगैरह से बचना है हमें। और ये लाइट पे देखो दोस्तों, मच्छर बहुत ज़्यादा, ये देखो कीड़े मच्छर चल रहे हैं। है नहीं, कैमरा फोकस रखना क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी कैप्चर होती है इस जगह पे। हम दो बार आ चुके हैं दोस्तों, इतनी ज्यादा एक्टिविटी, और एक दो बार बीच में वो चीज भी कैप्चर होती है जरूर। दो बार आए, दो बार ये सुना था भैया, एक अभी आवाज आई, ज्यादा किसी जानवर की आवाज ना। हाँ सुना आपने, आवाज आई थी, है ना, इधर से आई शायद ना, उधर से आई है पेड़ के वहां से। ये सुनी आपने, ये कैप्चर बहुत अजीब सी आवाज आई एकदम, अभी देखना एक मिनट, कैप्चर हुई है। हां कैप्चर हुई होगी, मैंने सुनी है बिल्कुल साफ, मेरे को आवाज आई जैसे जानवर की आवाज है ना। हां हां हां, पर बहुत भारी आवाज थी वो, बहुत भारी थी भैया, ध्यान से यार। टॉर्च नहीं अपने पास? टॉर्च नहीं भैया, नीचे ध्यान रखना आप, ठीक है। ये तो आंखों में लाइट बजी है तो ना आंखें अंधेरा ही नजर आ रहा बिल्कुल, है ना, साफ नजर ही नहीं आ रहा कुछ। भाई कुत्ते रो रहे हैं, कुत्ते भाई, कुत्ते की आवाज आ रही है, भाई कुत्ते की आवाज आ रही है, बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे इसके, बिल्कुल साफ साफ कुत्ते की, भाई कुत्ते की स्टोरी है यहाँ पर, कुत्ता उसी की आवाज तो नहीं है, कुत्ते की आवाज आ रही है, प्रॉपर कुत्ते की आवाज आ रही है। थोड़ा आगे हो, ये अभी थोड़ी मतलब दूर है लोकेशन, तो आवाज थोड़ी कम आ रही है। आगे पीछे पानी, आपके पीछे पानी है भाई, उधर उधर पानी है, इधर साइड से निकलो। ये दोस्तों ये रास्ता देखो, अगर आपको पगडंडी दिख रही होगी पतली सी, जहाँ पर भैया जा रहे हैं ये सीधा जा रहा रास्ता, देखो भाई फोकस आउट हुआ था अभी। लाइट जड़ नहीं रही वहाँ तक यार, ये भाई येलो ऑन करना भाई, फुल करना येलो, देखा आप थोड़ा ठीक है पहले से पेड़ के पीछे, आपको भी देखा वहाँ पे निकल देखो, देखा वहाँ पे वो सामने वाला जो लंबा सा पेड़ है ना, बड़ा पेड़ है। हाँ कुछ वाइट चमका वहाँ पे, वीडियो स्टार्ट हुई है अभी दोस्तों, अभी हम पूरा पहुँचे भी नहीं है, उसके पीछे कुछ चीज़ गई है वो पेड़ के पीछे, बड़े वाले के पीछे, थोड़ा क्या निकल भाई,
कुछ है वहाँ पे, कुछ है चमक है कुछ वहाँ पे, लाइट जा रही है वहाँ तक निकल। हाँ हाँ यहाँ साफ दिख रहा है। ये वाली बड़ी सी डाली है ना, ये हिली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरी डाली हिली है पूरी। हाँ वो कैप्चर हो गया है भाई। ये देखो यार इधर देखना, रोंगटे पूरे खड़े हो चुके भाई। पहले वो चीज दिखी है, उसके बाद वो डाली हिली भाई, जहाँ पे बंदा कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को। देखो इधर आऊँ, यही पेड़ है वो भैया, ये छोटे वाला, ये छोटे वाला पेड़ है जहाँ पे उस चीज की समाधि बनी है, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। और ये उस कुत्ते के लिए वो रखा हुआ पानी के लिए, देखो यहाँ बिल हो यार, कुछ तो हाँ यार कुछ हुआ यहाँ पे। ये जो बड़ी डाली है ना, ये हिली है भाई बहुत। भाई ये कैप्चर होगी, कैप्चर होगी थी ये। ओए ओए ओ भाई, ओए, ओए। ये सुन रही आवाज पीछे से? हाँ हाँ। कौन है यहाँ पर? भाई एक आवाज आई थी, कौन है यहाँ पे? देखिए अगर यहाँ पे कोई भी चीज है अभी, जो भी पेड़ के पीछे निकल के गई है, क्या वो किसी भी तरह किसी भी रूप में दोबारा ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकती है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया जैसे अभी हुई थी, जैसे ये डाली हिली थी, क्या ऐसा कोई चीज कर सकती है? ओए ओ भाई निकल निकल, पीछे आओ, पीछे 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 भैया, पीछे आओ, बाहर आओ, इधर कोई है? कौन है यार ये? वही छोटे पेड़ के पीछे, छोटे बेटे के पीछे की यारी। हाँ हाँ इधर कैमरा लेके, कैमरा लेके, कैमरा लेके। इसके पीछे कोई खड़ा यार, व्हाइट कपड़े में कोई था इसके पीछे। ध्यान से कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? ध्यान से जो भी चीज है निकल भाई, है इसके पीछे ध्यान से यार। कौन है? इधर जा, तुम इधर जा। ऊपर दिखा यहाँ तो कोई नहीं है। पीछे भाई यहाँ पे कोई नहीं है भाई, अभी कसम से कह रहा हूँ, मैंने कुछ कैप्चर किया था यहाँ पे, कुछ दिखा था मुझे। ये क्या था भाई? घुमा दिया कैमरा यहाँ पे, घुमा भाई, यहाँ पे कोई नहीं है। इतना बड़ा पेड़ हिला अपने आप भाई, ये भाई थोड़ा पीछे रहना यार। देखिए अगर हमसे कोई गलती हो गई तो मैं माफ कर देना भाई। देख लो कि एक मिनट यार, ये अंधेरा क्यों हो गया? देखिए यार इसमें अंधेरा, लाइट फुल है ये। ये देखिए देख, ये कैसे ना। देखिए अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना, हम सिर्फ इस जगह को देखने आए थे, इससे अलावा हमारा कोई भी इरादा नहीं था कि इस जगह को कोई नुकसान पहुंचाए या आपको कोई नुकसान पहुंचाए या आपकी कोई बेइज्जती करें या कोई ऐसा नहीं। एक काम करो, वो ऐप निकालो, एक बार इजाजत मांगो किस चीज की, यहाँ आने की या जाने की, कुछ सवाल करो एक दो। ओ भाई ये तीसरी बार आवाज आई है भाई, ये एक बार निकलो, आप निकलो जल्दी निकालो भाई। कसम से पेड़ के पीछे कुछ था यार, मेरे को इस पेड़ के पीछे वो चीज नजर आई है। इसी के पेड़ के पीछे बोल रहा था मैं भाई, इधर आ जाओ पास में, थोड़ा पास में आ जाओ, करो। देखिए यहाँ पे जो भी चीज है अभी हमें देख रही हो या सुन रही हो, क्या वो हमें कुछ अपने बारे में बता सकती है? क्या आप हमें यहाँ पे तीनों को देख पा रहे हो? क्या आप हम तीनों को यहाँ पे देख पा रहे हो? क्या आप अभी यहाँ पे हो? देखो सही है, आवाज आई थी बहुत कम। मैं देखिए भाई, चलो यार मेरे को डर लग रहा है, कोई है यहाँ पे भाई, कुछ है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट, कुछ है यहाँ पे, घबराना मत भैया, घबराना मत।
देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है अभी, क्या वो हमारे सामने किसी भी तरह किसी भी रूप में आ सकती है? एक आवाज़ ये हुई थी कैप्चर, हल्की सी एक आवाज़ हल्की। हाँ, क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? हम आपको देखने के लिए आए हैं। ओ फिर, ओ भाई निकल भाई, मेरे को कुछ है यहाँ पे, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। भैया तो आप थोड़ा भैया, आप थोड़ा पीछे रहो। ओए हनी भैया, क्या हो रहा कुछ हो रहा है यहाँ पे? निकलो निकलो, जल्दी निकलो।